Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सफेद कुर्ता पाजामा, सर पर बांधा सफेद साफा, कंधे पर रखा फावड़ा। कमला को कोई दूर से क्या, पास से भी देखे तो धोखा खा जाए कि कोई पुरुष खेत में काम कर रहा है। दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर के मीरापुर तलपत गांव की रहने वाली 63 वर्ष की कमला ने अपनी जिंदगी के 4 दशक मर्द बनकर खेतों में काम करते हुए गुजार दिए। एक महिला के लिए मर्द बनकर काम करना आसान नहीं था, लेकिन जिंदगी के सामने ऐसे मुश्किल हालात थे कि उन्होंने घूंघट उतार कर सर के बाल काट लिए और पगड़ी बांध ली। किसान परिवार में पैदा हुई कमला होश संभालते ही खेतों में काम करने लगी थी। शादी हुई तो 17 महीने बाद ही पति की दुखद मौत हो गई। बाद में देवर के साथ उन्हें बिठा दिया गया। इस रिश्ते से उन्हें एक बेटी हुई, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चल सका और वो अपने भाइयों के घर लौट आई। कमला के छोटे भाई को कैंसर हो गया। दम तोड़ने से पहले उन्होंने कमला से वादा लिया कि वह उनके बच्चे को पालेंगी और पत्नी का ध्यान रखेंगी। कमला कहती हैं कि भाई के दोनों बच्चे छोटे थे, कोई सहारा नहीं था। मैंने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली और खेतों का काम अपने हाथ ले लिया। लेकिन महिला के लिए अकेले खेत में जाकर काम करना आसान नहीं था। लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने मर्द का रूप धारण किया, बाल काटे और पगड़ी बांध ली। भारत के खेतों में महिलाएं सदियों से काम करती आ रही हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस समाज में आज भी मर्दवादी नजरिया हावी है। महिलाएं खेतों पर काम करने जाती तो हैं, लेकिन अकेले नहीं बल्कि समूहों में या परिवार के दूसरे लोगों के साथ। लेकिन कमला के अकेले कंधे पर जमीन जोतने, बोने और फसल की देखभाल करने की जिम्मेदारी थी। रात बेरात खेतों को पानी देने के लिए जाना पड़ता था। मर्दवादी समाज की नज़र और तानों से बचने के लिए वो मर्द हो गई। कमला कहती हैं कि मैं बेधड़क खेतों में काम करती थी। फसल को पानी देना होता था तो रात को आती थी, सुबह तक काम करके जाती थी। कभी डर महसूस नहीं हुआ। मर्दों की पोशाक ने मुझे सबकी नज़रों से बचा लिया। वो कहती हैं कि खेत में काम कर रही एक अकेली औरत के साथ कुछ भी हो सकता था। औरत अकेली हो तो हर आंख उस पर ठहरती है, लेकिन खेत पर काम कर रहे अकेले मर्द पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कमला ने मर्द बनकर लगभग 4 दशक तक खेतों में काम किया। उन्होंने उम्र के 6 दशक पार करने के बाद भी ना अपना ये रूप छोड़ा है और ना ही काम करना। कमला कहती हैं कि उन्हें भाग्य ने एक के बाद एक झटके दिए, लेकिन वो कभी डगमगाई और डरी नहीं। वो अपने पति की मौत, ससुराल में हुए शोषण को अब याद करना नहीं चाहती। इस बारे में सवाल करते ही उनकी आंखें पथरा जाती हैं और वो कहती हैं, मैं अब उन सब बातों को याद नहीं करना चाहती, ना ही उसका कोई फ़ायदा है। अगर आपको कमला की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही कॉमेंट करके आप बताएँ कि आपको ये कहानी कैसी लगी।